हेलो, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिस्कवरी पे। आज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं एमडी के दो राइजन 9 सीपीयू आए हैं, लॉन्च हुए हैं, इनके बारे में लेके आए हैं। ये हमारे पास अवेलेबल है। एक राइजन का 3900X है, इसमें आपको एक आरजीबी फैन साथ में मिलता है और ये आपका 12 कोर 24 थ्रेड पे आता है। और दूसरा हमारा है राइजन का 3950X और ये आपको 16 कोर 32 थ्रेड पे आता है। तो ये बहुत ही हैवी सीपीयू है। दोनों जो प्रोसेसर हैं दोनों ही राइजन 9 के नाम से आते हैं। इसमें के एक मॉडल हमारे पास पहले से आ रहा है राइजन 9 3900, इसकी ये हमारे पास अवेलेबल है। इसकी कीमत है 46,500 रुपीज़। ये आपका 12 कोर 24 थ्रेड के साथ आता है। इसमें 70 MB कैच होती है और इसके साथ जो है रेड स्पायर RGB फैन इंक्लूडेड होता है। ये वाला हमारे पास अवेलेबल है। और इसके बाद हमारे पास ये नया मॉडल आया है राइजन 9 3950X, ये 16 कोर 32 थ्रेड का होता है, 72 MB कैच के साथ है। इसके साथ कोई भी फैन नहीं आता है, इसके साथ हमें लिक्विड कूलर लगाना ज़रूरी है। ये भी हमारे पास अवेलेबल है। इसकी कीमत है 68,500 रुपीज़। ये राइजन का AM4 सॉकेट का सबसे पावरफुल चिप है। इसकी परफॉर्मेंस हम लोग इंटेल का जो टॉप एंड कंज्यूमर क्लास कोर i9 1090 80XE और 9980XE जो पहले 2 लाख का आता था, इस साल 1 लाख रुपये का आने वाला है, इसकी परफॉर्मेंस हम उसके आसपास देख सकते हैं। ये काफ़ी कॉम्पिटेटिव प्रोसेसर है AMD का। तो ये थे हमारे दो CPU लॉन्च, जिसमें हम आगे चल के इन दोनों CPU पे गेमिंग सिस्टम बनाएंगे। और आपको गेमिंग सिस्टम बनाए तो उसका लोग आपको स्टेप बाई स्टेप शॉर्ट करके दिखाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे हम इन्हीं CPU के साथ नए गेमिंग सिस्टम के ब्लॉग में। तो ठीक है।